Cause I just wanna go, go, go to the deep end. आइए दोस्तों, मंथ एंड आस्क रुवेस में आपका स्वागत है। हर महीने की एंड में ये आएगा, आपके सवालों के जवाब देंगे। बड़ा मजा आने वाला है, ये हमारा दूसरा एपिसोड है। वैसे अगर आप चाहते हैं कि आपके सवालों के जवाब दें, तो आप ट्विटर के ऊपर, हम हर महीने की 15 तारीख के बाद एक ट्वीट डालते हैं, उसके नीचे हैशटैग आस्क रुवेस करके सवाल कर सकते हैं। आज हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल लिया है, बस आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए ताकि ऐसी मोटिवेशन मिलता रहे और हम आते रहें और आपके सवालों के जवाब देता रहे। वैसे ये मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बहुत ही अच्छे सवाल होते हैं और इसमें डायरेक्ट कनेक्शन होता है और पूरी ऑनेस्टी के साथ मैं कोशिश करता हूँ कि आपके सवालों के जवाब दूँ। पहला सवाल आ रहा है अरिंदम पॉल की तरफ से, वो बोलते हैं कि रुवेस भाई, मेनस्ट्रीम 5G बैंड्स कौन कौन से हैं? जहाँ तक मुझे पता है N78 और N77 ये मेनस्ट्रीम 5G बैंड्स है। सारे के सारे फ़ोन्स जिनमें 5G होता है और मल्टीपल 5G बैंड्स होते हैं उसमें ये दो तो होते ही है। कभी कभी कुछ फ़ोन्स ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ दो 5G बैंड्स होते हैं, तो ज़्यादातर वो N77 और N78 होते हैं। अभी जितने भी फ़ोन्स मार्केट में आ रहे हैं उनमें 5G चलता ही चलता है, तो अब आपको 5G बैंड्स को लेकर कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बिशॉफ ने सवाल किया है कि क्या वो अभी नथिंग फ़ोन 1 ही परचेस कर ले 25,000 की रेंज पर जो उनको मिलता है, या फिर नथिंग फ़ोन 2 का इंतज़ार करें। देखिए, नथिंग फ़ोन 2 जो होगा उसकी जो प्राइस होगी वो ऐसी नहीं होने वाली है, क्योंकि ये नथिंग फ़ोन 1 भी जब आया था तो ये 30,000 के ऊपर था। वो आएगा तो वो भी 40-45,000 के ऊपर होगा, क्योंकि स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 होगा और बहुत सारे और भी चीज़ें उसमें देखने को मिलेगी। तो इस बार वो प्रीमियम अप्रोच ले रहे हैं, तो उसकी प्राइस और इसकी प्राइस में काफ़ी ज़्यादा फर्क होने वाला है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो डेफिनेटली नथिंग फ़ोन 2 आप ले सकते हैं, अगर नहीं कर सकते 25,000 में नथिंग फ़ोन 1 भी अच्छा है, जो आप जाके चेकआउट कर लीजिए। मुजम्मिल हुसैन ने पूछा है कि वन प्लस के हर एमोलेड फ़ोन में ग्रीन लाइन इशू आ रहा है, इसमें किसका फॉल्ट है, सैमसंग डिस्प्ले या वन प्लस का? देखिए, फॉल्ट अगर सैमसंग का होता तो सैमसंग के फ़ोन्स में ज़्यादातर सैमसंग के ही डिस्प्लेस होते हैं। इनफैक्ट आईफोन्स में भी सैमसंग के ही डिस्प्ले, तो ज़्यादातर इश्यूज़ वहाँ पर भी सामने निकल कर आते हैं। तो ये आई थिंक सो मे बी समवॉट फॉल्टी जो प्रोडक्ट्स होते हैं कभी कभी, है ना, मैन्युफैक्चरिंग में उससे भी हो जाता है, डिस्प्ले प्रॉपर पैनल यहाँ पर फिट नहीं होता या कुछ भी ऐसे इश्यूज़ होते हैं इंटरनली, जिससे हमें ये चीज़ें ग्रीन लाइन और ऐसी सब चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो सैमसंग के डिस्प्लेस का मुझे नहीं लगता कि कोई इशू है, इशू होगा तो ये वन प्लस की तरफ से ही होगा, ऐसा मुझे लगता है। चिनमोल रे ने बोला है अबाउट इन्फिनिक्स लैपटॉप्स, मेरे थॉट्स क्या है? तो मुझे लगता है कि अगर कम प्राइस पर वो लोग कोशिश कर रहे हैं कुछ अच्छी चीज़ लाने की, तो वाई नॉट। आजकल बजट बहुत टाइट होता है लोगों का, अगर 30,000 के अंदर आपको एक अच्छा लैपटॉप चाहिए, वैसे तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन वो पुराने लैपटॉप से, नए लैपटॉप से इतने खास अब 25-30,000 की रेंज पर नहीं आ रहे। ज़्यादातर ब्रांड्स अभी 40-50,000 के ऊपर लेके आ रही, क्योंकि डेफिनेटली उसमें फिर काम भी आपका उतना अच्छा होगा, बट ये लोग कोशिश करते हैं 25-30,000 में एक लैपटॉप लाने की, तो अगर आपकी बजट टाइट है तो वाई नॉट, मेरे को ऐसा लगता है। बाकी उन्होंने बोला कि मीटअप के लिए नॉर्थ ईस्ट या आसाम, यार मैं इतना आई डोंट नो मैं कैसे बताऊँ, मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है, क्योंकि बार बार मैं बोलता हूँ कि मैं आसाम आऊँगा आसाम आऊँगा, आसाम से इतने लोग मुझे फॉलो करते हैं, इतना प्यार देते, समझ नहीं आ रहा है कि ये मीटअप कैसे पॉसिबल होगा। मेरे दिल में है कि मैं आसाम आऊँ, आप लोगों से मिलूँ, घूमूँ फिरूँ, मैं आसाम अभी तक आया नहीं हूँ। तो पूरी कोशिश है, अगर मीटअप का पॉसिबल रहेगा तो डेफिनेटली हम एक मीटअप रखेंगे, तो पूरे इंडिया में ही रखेंगे, बस आप लोग आना ज़रूर। प्रसाद पाटिल ने बोला है कि गूगल हाल ही में वो जो फाइंड माई डिवाइस वाला फीचर पर काम कर रहा है, जो फ़ोन ऑफ होने के बाद भी काम करेगा, तो वो कैसे होगा, पिक्सल 7 सीरीज में भी आएगा या पिक्सल 8 सीरीज में आएगा, ऐसा कुछ वो सवाल कर रहे हैं। तो देखिए, वो एंड्रॉयड 14 में जो अपडेट होगा उसमें वो लाने की प्लान कर रहे हैं, तो वो शायद जिस जिस फ़ोन में एंड्रॉयड 14 आएगा उसमें हमें देखने को मिल सकता है। ये हमें iOS में ऑलरेडी मिल रहा है, बट अब गूगल भी कुछ इस तरीके के फीचर पर काम कर रहा है कि फ़ोन बंद होने के बाद भी आप अपने फ़ोन को ट्रैक कर सकेंगे, जो कि एंड्रॉयड 14 पर आएगा। ये एंड्रॉयड 14 का अपडेट है, इसमें ऐसा बताया जा रहा था, तो सभी फ़ोन्स में आ सकता है ऐसा मुझे लगता है। AJ ने बोला है कि ब्रांड्स जो है वो कॉम्पैक्ट फ़ोन कभी लॉन्च करना शुरू करेगी बजट में? ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है कि आजकल बजट फ़ोन्स में सबको बड़ी बड़ी डिस्प्ले वाला फ़ोन लॉन्च करना है, कोई कॉम्पैक्ट फ़ोन के बारे में सोचता ही नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको कॉम्पैक्ट फ़ोन्स पसंद होते हैं, तो मुझे लगता है कि ब्रांड को एक ऑप्शन रखना चाहिए। अगर 6.6 या 6.5 या 6.7 इंच वाला फ़ोन लॉन्च करी, तो वही सेम फ़ोन वो 6 इंच में भी या 5.5 इंच में भी लॉन्च कर सकती है। ये उन लोगों के लिए एक अलग मार्केट होती है ना, जहाँ पर लोगों को कॉम्पैक्ट फ़ोन पसंद आता है, तो मेरे ख्याल से ऐसा होना चाहिए, तो करना चाहिए। बट अभी ब्रांड्स ध्यान नहीं देती, सबको लगता है कि भाई बड़ी डिस्प्ले लाओ, लोगों को गेम खेलने में, कंटेंट कंज्यूम करने में मज़ा आता है, तो सबकी मेंटालिटी वही हो गई है। वैसे वैल्यूटिव ने काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल किया कि आजकल 20,000 की रेंज में हमें जब एमोलेड डिस्प्ले मिलता है तो वाटर ड्रॉप डिस्प्ले होती है, जैसे कि iQOO Z7, और अगर पंचोल मिलता है तो IPS होती है। ज़्यादातर सारे फ़ोन्स में आजकल यही हो रहा है, ऐसा नहीं है, रेडमी के भी फ़ोन्स आज
बहुत पहले से मैं बोल रहा हूँ, Redmi Note 10 सीरीज आई थी तब से हमें AMOLED और पंचोल देखने को मिलता है और हाई रिफ्रेश रेट भी मिलती है। Xiaomi वाले कर देते हैं बहुत रेयरली दूसरे फोन से, जैसे कि Motorola वाले आजकल OLED वाली 120 Hz के डिस्प्ले देते हैं पंचोल के साथ में, बट हाँ ज़्यादातर ऐसा होता है। तो कॉस्ट कटिंग के बारे में तो आपने सुना ही रहेगा, बहुत सारे ब्रांड्स ये करती है जिसमें कहीं ना कहीं उनका फ़ायदा होता है और उस हिसाब से वो लोग ये चीज़ कर लेते हैं। तो हाँ, बट ज़्यादातर तो ब्रांड यही कर रही, जो आपने सवाल किया वो बिल्कुल सही किया। देवेंद्र सिंह ने बोला है कि आई वॉन्ट टू बाय अ न्यू फोन, इज इट ओके टू बाय वन प्लस 11R और वेट फॉर नथिंग फोन टू। वन प्लस 11R मेरे हिसाब से एक अच्छा फोन है, हमने इसकी तारीफ किया था क्योंकि फोन मुझे अच्छा लगा और प्राइस अच्छी लगी थी, बट अगर आपकी बजट है नथिंग फोन टू के लिए तो वाई नॉट, वेट करिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। क्या पता आपने वन प्लस 11R ले लिया फिर आप पछताओगे, बोले अरे यार नथिंग फोन टू ले लेता। जब आपके मन में डाउट होता है तो कभी भी उन प्रोडक्ट का वेट करना चाहिए, उसके बाद ही डिसीजन लेना चाहिए। सौरभ जी बोलते हैं व्हाट डू थिंक अबाउट द स्लो ग्रोथ ऑफ सब्सक्राइबर्स इन योर चैनल। देखिए हमारे चैनल के ग्रोथ का तो मुझे नहीं पता, जैसे कि मैंने ये सवाल ऐसे कुछ सिमिलर सवाल पिछले बार भी लिया था, मैंने ये बताया था कि सभी का अपना एक वक्त होता है। जैसे कि मेरा जो वक्त था वो 2016 की एंड से था, जब जियो आया तो उसके बाद से 2016 की एंड से 2019 तक प्रॉब्ली हमारा बहुत ज़्यादा ग्रोथ था, हम बहुत बहुत ज़्यादा मतलब हर जगह पर हम थे, समझ रहे आप, और धीरे धीरे फिर वो स्टेबल हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ना एकदम भी ऊपर है ना हम एकदम भी नीचे, सीधा चल रहे हैं और ये होना भी चाहिए। एकदम ऊपर जाए तो लोगों के दिमाग में बहुत कुछ चढ़ जाता है, एकदम नीचे जाए तो वहाँ पर डिप्रेस्ड हो जाते हैं, और थोड़ा स्टेबल चल रहे तो इट्स ओके। मुझे लगता है कि जहाँ तक मैं हूँ और अकेला हमने जो चैनल को संभाला है आप लोगों के सपोर्ट से पिछले 7-8 साल से, तो जैसा भी मैं हूँ मैं बहुत खुश हूँ अपने चैनल से, हर एक चीज़ के लिए खुश हूँ, मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ बस थोड़ा डीमोटिवेशन फील होता है देख करके, इतने साल हो गए तो सब्सक्राइबर्स थोड़े और बढ़ जाना चाहिए, बट यूट्यूब का भी कहीं ना कहीं ऐसा होता है सीन, हमारे वीडियोस भी कभी नोटिफिकेशन नहीं जाते, कभी रिकमेंडेशन नहीं होते, तो ये भी एक चीज़ होती है। बाकी तो हमारा SEO तो बहुत अच्छा है, अलग से एक बंदा रखे जो टैग्स और कीवर्ड्स वगैरह डालता है, बाकी तो आप लोग सपोर्ट करते रहिए तो और ग्रोथ डेफिनेटली हो जाएगा। वासिद खान बोलते हैं कि रोएस भाई कोई लैपटॉप सजेस्ट कर दो 40,000। देखिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपके लिए वासिद भाई, और अगर और कोई इस बजट में एक लैपटॉप ढूंढ रहा है तो हमारी टीम मेंबर को बोलता हूँ डिस्क्रिप्शन में एक अच्छा लैपटॉप ढूंढेगा और वो आपको सजेस्ट करेगा। बट याद रहे इस प्राइस रेंज पर ज़्यादातर गेमिंग लैपटॉप्स नहीं होते, गेमिंग चाहिए तो 50,000 है उसके ऊपर थोड़ी बजट करिए, थोड़े बहुत गेम्स आप खेल सकेंगे, बट 40,000 की बजट है। एक डिस्क्रिप्शन में 2-3 लिंक आपके लिए छोड़ दूंगा। श्रीकांत यादव बोलते हैं रिफ्रेश रेट सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है या हार्डवेयर। ये बहुत अच्छे सवाल किया आपने। जब फोन में हम रिफ्रेश रेट देखते हैं 90 Hz 120 Hz, तो बेसिकली ये टेक्निकली अगर मैं बोलूँ तो बोथ, लेकिन ज़्यादातर हार्डवेयर। देखिए अगर ऐसा होता कि सॉफ्टवेयर बेस्ड होता खाली, तो आजकल जितने भी फोन्स मार्केट में तो 60 Hz वाले ब्रांड एक अपडेट पुश करती आपको 90 Hz और 120 Hz मिल जाता, फिर काय को हम 90 Hz और 120 Hz वाले फ़ोन लेते हैं, फिर वो लोग एडवर्टाइज भी नहीं करते इतना। बट पैनल होता है ना, पैनल का डिफरेंस होता है, 60 Hz पैनल होता है 90 Hz 120 Hz, तो ये एक ऐसी चीज़ होती है। तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है, बट हार्डवेयर डेफिनेटली जो पैनल है उससे ही आपको ये सपोर्ट मिलता है। अमन जहाँ बोलते हैं कि शुड आई गो फॉर आईफोन 12 अंडर 35,000, क्या बात है, या फिर नॉट 3। तो अगर आपको आईफोन 12 मिलता है अंडर 35,000 तो डेफिनेटली iOS, आईफोन, कैमरा और ब्रांड वैल्यू, आफ्टर सेल सर्विस, प्रॉपर अपडेट्स, वाई नॉट, आईफोन बेस्ट। अनुराग शर्मा बोलते हैं कि ब्रदर आप क्यों नहीं गए थे कोरिया सैमसंग म्यूजियम। देखिए मुझे शायद इनविटेशन आया था, पहले आया था बहुत, बट रमज़ान के महीने में हम ट्रैवल नहीं करते, अब फास्टिंग होती है और बहुत कुछ होता है, तो मैं इसलिए ज़्यादा ट्रैवल नहीं करता, तो हम नहीं गए। हम वीवो के भी इवेंट में नहीं गए, वियतनाम गए थे, काफ़ी सारे हमारे फ्रेंड्स ट्विटर पे ट्वीट डाल रहे थे, बहुत जलन हो रहा था मुझे। तो एनीवेज ऑफ ट्वीट, ये जो क्रिएटर्स है ना, फेलो क्रिएटर्स, इतने बदतमीज़ होते हैं, ये मुझे पर्सनल मैसेज भी करके जलाते हैं। हमारे अंदर बहुत कुछ मस्ती मजाक होती रहती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। हाँ जिस टाइम मेरे को मैं शुभम राठौड़ बोलते हैं कि 12,000 के नीचे एक 4G फ़ोन बताओ भाई, 4GB 64GB। मेरे ख्याल से रियलमी का जो नार्जो N55 है, रियलमी C55 है, लावा का ब्लेज जो भी है डायमेंसिटी 700 के साथ है, इन्फिनिक्स वाले भी है मेरे ख्याल से, हॉट उनका कौन सा है, हॉट 30i, बहुत सारे ऑप्शंस है, तो आप देख सकते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको अच्छे 4G फोन्स मिल जाएंगे। कुछ पुराने फ़ोन्स भी हो सकते हैं 12-13,000 के रेंज पर आपको अच्छे फीचर्स के साथ मिल जाए, ज़्यादा स्टोरेज, ज़्यादा रैम, तो आप जाके इनको चेकआउट कर सकते हैं। साइल टैंक बोलते हैं कि फोको फोन्स ऑफलाइन मार्केट में ज़्यादा सेल क्यों नहीं होते हैं और मदरबोर्ड इशू की वजह से इन पर ट्रस्ट करना चाहिए, शुड आई बाय पोको F5 वगैरह। देखिए बात ये है कि अब इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं, वेट एंड वॉच। पोको F5 जो है आने के बाद ब्रांड्स क्या करती है, अपने वारंटी को बढ़ाती है, या एक कंडीशन रखना चाहिए कि अगर ब्रांड की तरफ से कुछ इशू होता है तो फ्री वन टाइम रिपेयर होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें उनको करना चाहिए, जब जाके लोगों का ट्रस्ट वो गेन कर सकती है, ऐसा मुझे लगता है। अगर आपके फ़ोन में वापस से मदरबोर्ड इशू हो गया तो फिर मुझे लगता है कंपनी ही डेड हो जाएगी,
जो है वो फेयर आपको बताता हूँ, चाहे फोको वाले हमें फ़ोन भेजते या ना भेजते, बट ये बात तो करनी है। बहुत सारे लोग मुझे ट्वीट करते हैं, टैग करते हैं, ये रियल इश्यूज़ है काफ़ी सारे लोगों का, तो मुझे लगता है कि उनको कुछ कंडीशंस लानी चाहिए अपने नए फ़ोन जब वो लॉन्च कर रही है, ताकि लोगों का ट्रस्ट वो गेन कर सके, तभी वो फ़ोन सेल करे तो सही रहेगा। कुणाल पाटिल बोलते हैं कि OnePlus Nord 3 Redmi Note 12 Turbo या मतलब वही पोको F5, तो मेरे ख्याल से आप वेट करिए। देखिए पोको F5 तो मे की मिड में आएगा, 10-15 तारीख तक आ सकता है, और 30-35 हज़ार की रेंज की बोलते हैं कि प्राइस होगी। बाकी OnePlus Nord 3 भी कुछ वैसी 35 हज़ार का रेंज का होगा, तो आप वेट करिए, वेट एंड वॉच। मुझे लगता है कि उसके बाद ही, क्योंकि जो पोको F5 है उसमें चिपसेट अच्छी है, Snapdragon+ Gen 2, जो हमने ऑलरेडी अनबॉक्स कर दिया था Redmi Note 12 Turbo हमारे स्टूडियो में, यहाँ पर कार्ड है तो आप देख लेना, तो OnePlus Nord 3 वाला देखते हैं कि कितना टक्कर देता है। तो वेट करिए, जब दोनों आ जाएगी उसके बाद ही आप डिसाइड करिए। साकिब शेख बोलते हैं कि फ्यूचर में कभी ऐसा हो सकता है कि एप्पल और एंड्रॉयड का कोलैब हो, जहां पर एप्पल की चिपसेट हो और फ़ोन में एंड्रॉयड हो। आई एम नॉट श्योर ऐसा कभी होगा, क्योंकि वो चिपसेट जो है वो एप्पल जो है वो अपने फ़ोन के हिसाब से ऑप्टिमाइज करता है, और आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कभी फ्यूचर में होगा। अब एक तरफ एंड्रॉयड के चिपसेट्स भी उतनी ही ज़्यादा पावरफुल हो रहे हैं, स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 जो आ रहा है वो तो बहुत कमाल का होने वाला है, जो एप्पल A17 के बहुत करीब आ सकता है ऐसा बोलते हैं। तो आइडिया तो बहुत अच्छा है, बट आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कभी फ्यूचर में हो सकता है। शफी अलग बोलते हैं कि ब्रो अंडर 40,000 कोई 5G फ़ोन बताओ, कैमरा एंड गुड प्रोसेसर। 40,000 की रेंज पर आप इधर सैमसंग के फ़ोन्स चूज़ कर सकते हैं। A54 तो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा, उसमें एक्जिनोस है, तो आप सैमसंग के पुराने फ़ोन्स देख सकते हैं, या इधर आईक्यू वाले फ़ोन्स आपको उस प्राइस रेंज पर मिल जाते हैं, या मेरे ख्याल से वेट करिए Pixel 7a आ रहा है, जो आपको बेहतर कैमरा और प्रोसेसर तो ठीक होगा टेंसर वाला, तो नथिंग वाले भी कुछ कर रहे हैं, तो मोटोरोला का भी आ रहा है मई के महीने में, तो मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, बट थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा सा आपको सब पता चलेगा। दीपक मेहता, वाई नॉट अनबॉक्स Lava Blaze 2। हमने Lava Blaze 2 का एक शॉर्ट्स बना दिया है ऑलरेडी, शायद आपको मिल गया रहेगा, या हो सकता है अपलोड पे हो तो हो गया रहेगा, आपको मिल गया रहेगा। तो हमने रील्स पर भी डाला इंस्टाग्राम के, हमारे मेन चैनल इस चैनल के हमने शॉर्ट्स पर भी डाला है, उसके बारे में आपको बताया। 9000 पे 6GB रैम, 120GB स्टोरेज, इंडियन ब्रांड के हिसाब से जो उन्होंने ये करेज दिखाया है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इंटरेस्ट आया, तो हमने सोचा करते हैं। और भी क्लावा का आ रहा है अग्नि 2 करके, उसके बारे में आपको अनबॉक्सिंग करके बताएंगे। रोजेन सैफी बोलते हैं कि सैमसंग M34 वर्सेस नथिंग फोन, M34 या M54, आप क्या बोल रहे हो? M54 होगा शायद। तो सैमसंग का फ़ोन, और अगर आपको ब्रांड वैल्यू ज़्यादा पसंद है, कैमरा वगैरह थोड़ा और ज़्यादा अच्छा चाहिए, तो M54 इधर, या अगर आपको थोड़ा डिज़ाइन विज़ाइन के मामले में यू नो स्टॉक एंड्रॉयड पे ज़्यादा अगर आपको चाहिए वगैरह, तो डेफिनेटली नथिंग या ईदर ऑफ द फोन। मुझे नहीं लगता कि कोई भी फोन लेने से दोनों में से आपको कोई प्रॉब्लम होगी। तन्मय कुमार बोलते हैं, वाई शाओमी गिव्स नॉनसेंस सॉफ्टवेयर इन फोन्स, वाई दे डोंट गिव अ गुड सॉफ्टवेयर विद प्रॉपर अपडेट। सबका अपना अपना एक तरीके का कस्टम यूआई होता है, सबकी अपनी मर्जी होती है। इन्फिनिक्स का होता है, लोगों को कुछ पसंद आता है, बहुत सारे लोगों को नहीं आता है। सैमसंग का वन यूआई है, बहुत सारे लोगों को पसंद आता है, अभी भी कुछ लोगों को नहीं आता है, ऐसा भी है, सबका अपना अपना है। तो Xiaomi की अपनी मर्जी है, वो उन्होंने स्टॉक एंड्रॉइड के साथ में Mi A सीरीज लाई थी, बट वो चली नहीं, उसमें तो बहुत इश्यूज हो रहे थे, पहले चली थी बाद में फिर इश्यूज होने लगे थे। तो ब्रांड्स अगर कुछ अच्छा करती है सॉफ्टवेयर के साथ में, आजकल इतने खास नहीं, सबके एक जैसे हो गए हैं, और एड्स ब्लोटवेयर से सब कुछ बहुत देखने को मिलता है, बजट में तो ज़्यादा होता है, बट ये चीज़ एकदम से खत्म हो जाना चाहिए। इसके लिए भी अलग से लॉ आना चाहिए हमारे देश में कि भाई एड्स नहीं होना चाहिए, फालतू के प्री इंस्टॉल ऐप्स नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अंजन सरकार बोलते हैं कि 60,000 की बजट एक फ़ोन लेना एंड्रॉइड या iOS। अगर आपके पास 60,000 की बजट है, iOS में आईफोन्स मिलते हैं पुराने वाले या कोई, तो डेफिनेटली आईफोन में पहले सजेस्ट करूँगा, लेकिन उसके बाद फिर आप सैमसंग के फ़ोन्स प्रेफर कर सकते हैं। थोड़ा बजट बढ़ा गया, S23 सीरीज़ में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। प्रीतम घोष बोलते हैं, फूड डायरेक्ट डाउनलोड हो जाए, ऐसी टेक्नोलॉजी कब आएगी? ऐसा तो कभी फ्यूचर में नहीं होगा, ये सपने में ही हो सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने फूड डाउनलोड कर लिया और उसको खा भी लिया? नहीं, ये तो जादू की बात हो गई ना, आप कैसे वो चीज़ को हम, वो तो सिर्फ देखने के लिए फिज़िकली होना चाहिए हमारे पास में, तो वो डिलीवरी होती है, हम हाथ में लेते हैं और उसको फिर खाते हैं ना, तो ये चीज़ सिर्फ बोलने की है बट रियलिटी में पॉसिबल नहीं है। अभिषेक गुप्ता बोलते हैं, सर किसी के साथ कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट कर लो सब्सक्राइबर। आइडिया अच्छा है वैसे, करना चाहिए। पहले हम यही करते थे 2016-17-18 में भी, तो करते नहीं थे वैसे, हो जाती थी, और वैसे मुझे करना नहीं चाहिए था, बात तो वो भी है, हम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थे पहले, कमेंट्स को लेकर नाराज़ हो जाते थे, कोई क्रिएटर कुछ करे तो नाराज़ हो जाते थे। हाँ, अभी बीच में भी हमने एक वीडियो बनाया था, वो पेड वीडियो वाले, उसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा हो गया था, ओवर द लिमिट हो गया था, तो हमको मजबूरन वो बनाना पड़ा, बट फिर हम सोचते हैं कि नहीं यार, ये अनप्रोफेशनल बिहेवियर, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, 4 दिन लोग बात करेंगे, 5वें दिन बोल जाएंगे। मेन बात यह है कि इसके चैनल पर आगे ये कर क्या रहा है, तो कंटेंट में, क्वालिटी में, इस पर ज़्यादा हम बिलीव करते हैं। टीम अभी बढ़ गई है तो प्रोफेशनलिज्म दिखाना पड़ता है, सबका आइडिया होता है,
ये सब करके मतलब नहीं हो। मैं सबसे बोलता जो न्यू चैनल भी क्रिएट कर रहे हैं वगैरह, ये सब मत करो। चार पाँच दिन लोग बात करते, छः छठे दिन भूल जाते हैं, आपका कुछ होने नहीं वाला है। दो चार दिन के लिए हीरो बन जाएंगे, उसके बाद कुछ नहीं होने वाला है। अपने कॉन्टेंट पर फोकस करिए, आगे बढ़िए, ग्रोथ आपको मिलते रहेगी, पीछे मत देखिए। ब्लैक कैप बोलते हैं Redmi Note 12 Pro में MIUI 14 का अपडेट आया, बट वो अभी भी Android 12 पर है। ऑल क्रेडिट्स टू Xiaomi। Android 13 जो है वो भी मुझे लगता है कि अभी कुछ टाइम पर आउटडेटेड हो सकता है, क्योंकि Android 14 आने वाला है। अभी भी ब्रांड्स जो है वो Android 12 पर अटकी हुई, काफ़ी सारी कंपनीज ऐसा करती है, बट कुछ ऐसे हैंडफुल ऑफ कंपनीज है जैसे कि मोटरोला है, अपने आईकू वाले हैं, इनकी ज़्यादातर फोन्स में Android 13 ही होता है। इनफैक्ट रियलमी वाले भी आजकल रियलमी UI 4 एंड्रॉइड 13 दे रहे, तो मुझे लगता है कि Xiaomi को भी ये करना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि बहुत बार ऐसा हो रहा है कि Xiaomi वाले जो है वो कस्टमर्स की ज़्यादा नहीं सुन पा रहे, इसलिए उनका मार्केट 1 नंबर से 4 नंबर पर फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ आया है Q1 2023 में। ये सारे रीजंस यहाँ पर हो सकते हैं। सुदीप प्रमाणिक बोलते हैं iQOO Z7 का डिस्प्ले क्या लो ब्राइटनेस पर फ्लिकर करता है? नो, हमने चेक किया तो ऐसा कुछ भी नहीं था। हमने डिटेल कंपैरिजन किया है OnePlus Nord C3 Lite के साथ में, तो यहाँ पर कार्ड देता हूँ, आप देख सकते हैं। मैं फुल रिव्यू करूँगा इसका, हमने पोल रखा था, सबसे ज़्यादा लोगों ने iQOO Z7 पर ही बोला, तो आपको शायद मई के अंदर इसका एक फुल रिव्यू आफ्टर यूसेज, मतलब एक 15-20 दिन महीना यूज़ करके सब बताएंगे कि जो भी आपने बोला है इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अर्चित जी बोलते हैं कि क्या 5G इंडिया में स्टेबल होने के बाद 5G रिचार्ज 4G से एक्सपेंसिव होंगे? डेफिनेटली होगा। वैसे भी 4G जब आया था तो वो उस वक्त हमारे लिए एक्सपेंसिव ही लगता था, है ना। बाद में जियो आने के बाद हमें वैल्यू पता चली और जियो को बिजनेस करना था इसलिए वो चीप हुआ, वरना वो कभी नहीं होता। तो 5G जो है आजकल तो आने के साथ ही कॉम्पिटिशन शुरू हो चुका है। एयरटेल और जियो के बीच में देख रहे लफड़े झगड़े हो रहे, तो हो सकता है इनकी कॉम्पिटिशन में प्राइसेस कम हो जाए, कुछ भी हो सकता है। बट अभी फ्री में यूज़ करने मिल रहा है तो यूज़ करिए, मुझे लगता नहीं कि इतने जल्दी इनके कुछ प्लान्स आ सकते हैं। तो ये दोस्तों आपके बहुत सारे इंटरेस्टिंग सवाल थे, बड़ा अच्छा लगता है आपके सवालों के जवाब देने के लिए। बाकी दोस्तों आप ट्विटर पे मुझे फॉलो करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर सवाल कर सकते हैं। अगर इनकेस कुछ लोग वहाँ नहीं है अकाउंट बनाए हुए तो यहाँ पर कर लेना, बट वही लोग जिनका अकाउंट ट्विटर पर नहीं है तो हम कोशिश करके यहाँ से भी कुछ सवाल यूट्यूब की कमेंट से उठा लेंगे। बाकी लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करके रखिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।